खबर अब तक पहुंचाएंगे अल अजीजिया रेफरेंस में। नवाज शरीफ की अपील 18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब की सजा बढ़ाने की दरख्वास्त पर भी 18 दिसंबर को समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इसकी समाअत करेगा, जबकि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ ने सजा कलदम करने की इस्तदा कर रखी है। नवाज शरीफ ने वीडियो फोरेंसिक करने वाले बरतानवी माहिर समेत 5 अफराद को गवाह बनाने की इस्तदा की है। नवाज शरीफ ने बरतानवी माहिर समेत 5 अफराद को गवाह बनाने की इस्तदा कर रखी है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं अल अजीजिया रेफरेंस के मुतालिक, जिसमें नवाज शरीफ की अपील 18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब की सजा बढ़ाने की दरख्वास्त पर भी 18 दिसंबर को समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इस पर समाअत करेगा। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ ने सजा कलदम करने की इस्तदा कर रखी है। नवाज शरीफ ने वीडियो फोरेंसिक करने वाले बरतानवी माहिर समेत 5 अफराद को गवाह बनाने की इस्तदा की। नवाज शरीफ ने बरतानवी माहिर समेत 5 अफराद को गवाह बनाने की इस्तदा कर रखी है। इससे मुतालिक अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन बताइएगा। जी बिल्कुल, अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा कलदम करार देने की अपील पर 18 दिसंबर को समाअत होगी। अदालत मरकजी अपील से कबल जज वीडियो केस के तनाजर में फैसला करेगी। नवाज शरीफ ने वीडियो फ्रेंजिक करने वाले बरतानवी माहिर समेत 5 अफराद को गवाह बनने की इस्तदा की है, जबकि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। जी अच्छा अमरीन, ये भी बताएगा कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से इस समाअत में कौन पेश होगा। अमरीन अली से इस मुतालिक हम जान रहे हैं कि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील 18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब की सजा बढ़ाने की दरख्वास्त पर भी 18 दिसंबर को ही समाअत की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इसकी समाअत करेगा। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ ने सजा कलदम करार देने की इस्तदा कर रखी है, जबकि नवाज शरीफ ने वीडियो फोरेंसिक करने वाले बरतानवी माहिर समेत 5 अफराद को गवाह बनाने की इस्तदा की है। नवाज शरीफ ने बरतानवी माहिर समेत 5 अफराद को गवाह बनाने की इस्तदा कर रखी है, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस मुतालिक कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। अल अजीजिया रेफरेंस, जिसमें नवाज शरीफ की अपील 18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब की सजा बढ़ाने की दरख्वास्त पर भी 18 दिसंबर को समाअत की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इस केस पर समाअत करेगा। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ ने सजा कलदम करार देने की इस्तदा कर रखी है और नवाज शरीफ ने वीडियो फोरेंसिक करने वाले बरतानवी माहिर समेत 5 अफराद को गवाह बनाने की इस्तदा की है। नवाज शरीफ ने बरतानवी माहिर समेत 5 अफराद को गवाह बनाने की इस्तदा कर रखी है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस मुतालिक कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। अल अजीजिया रेफरेंस, जिसमें नवाज शरीफ ने सजा कलदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब की सजा बढ़ाने की दरख्वास्त पर भी 18 दिसंबर को ही समाअत की जाएगी।